जल्दी आ। अरे नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। और बेटा सही है तो? हाँ ताऊ जी। कब आई? मैं कब आई? हाँ? मैं तो पिछले 5 दिन से यही रह रही हूँ। चल बढ़िया है। हाँ। और पापा पापा सही है तेरे? सब बढ़िया है। चल बढ़िया। चल आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया, खुशहाल मंगल, एकदम एक नंबर मस्त। और डॉली तू कैसी है? बस ठीक हूँ। अच्छा अच्छा ताऊ जी कहाँ जा रहे थे आप? मेला देखने। मेला देखने? हाँ ताऊ जी का मेला लग रहा है ना आज। हाँ तो वही जा रहे हैं दोनों जने। तुम जा रहे थे या ये जा रही थी? दोनों जा रही थी। दोनों जा रहे थे? हाँ। जी मेरे साथ ही जाते हैं। साथ ही जाते हैं? हाँ, जाते मेला हो दशहरा हो कोई भी नौमी का किसी भी कोई भी काम हो मेरी बेटी अकेली नहीं जाने देता। देख लल्ली माहौल बहुत खराब है इस समय, माहौल सही करने के लिए बच्चे के साथ घूमना चाहिए क्योंकि कौन क्या पता किसकी गलत संगत में फंस जाए, है कि नहीं इस चक्कर। अच्छा ताऊ जी मैं ये कह रही थी आपसे। हाँ? मेला देखने के लिए तो ये अपनी सहेलियों के साथ भी जा सकती है, आपको क्या जरूरत है इसके साथ? ना 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 बेटा, सहेलियों के साथ? सहेलियों के साथ जाएगी वहां पे समय ज्यादा लगेगा, मेरे साथ जाएगी जलेबी खाएगी, दो चार सामान लेने होंगे सामान ले आएगी, घर पे आके काम खत्म। अच्छा एक काम करो तुम घर जाओ मैं इसे मिला। ना 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 तू क्यों परेशान हो रही है फालतू में, तुझ पे वैसे नहीं चला जाता वजन की वजह से। तू ऐसा लल्ली देख तू अपना यहाँ घरवार देख और क्या कहते हैं सब व्यवस्था देख, तेरा पिता देख रहा होगा और कम से कम बता के आती तो सही भी, अब ऐसे चली जाएगी तो चिंता करेंगे वो भी, इसलिए मुझे चलने दे। लेकिन एक मिनट ताऊ जी। हाँ? बात बताइए ताऊ जी। बोल बेटा। ये तो घोर अन्याय है, किसी के साथ तो मैं ऐसे जाती थोड़ी नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात क्या है, एक बात बताओ बेचारी की माँ नहीं है, मैं मानती हूँ भले ही आप बाप हैं लेकिन थोड़ा सा आपको ये तो लगना चाहिए। हाँ। कि आप इसके संग ही संग रहते हैं 24 घंटे। हाँ? अरे कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी समझदार है, मैच्योर्ड है। काहे की मैच्योर है? अरे बेटा ये सब तकियानुसी बातें, और देख सुन मैं अपनी बेटी के हक के लिए जो भी करूं वो सही है। देख मैं नहीं चाहता कि आजकल की लड़कियों की तरह ये भी बिगड़ जाए कि अपने घर आ जाया करे हर 5वें दिन, अच्छा थोड़ी लगता है। और देख मेरी बेटी है मैं अपनी तरीके से चला लूंगा। और देख तू तो आने जाने की बात करिए, मेले दशहरे की बात करिए, मैं तो स्कूल भी खुद छोड़ के आता हूँ उसे, सुबह स्कूल जाती है तो मैं स्कूल तक जाता हूँ और शाम को मैं माँ से लेके भी इसको आता हूँ। तू कुछ नहीं कहती? ये क्या कहेगी दीदी? अब क्या बोलूँ मैं, ये क्या कहेगी? लेकिन ताऊ जी आप भल आप ऐसी इस इतनी स्टैंडर्ड दुनिया में मतलब इतने मतलब ऐसी सोच रखते हो तुम? कैसी सोच? ऐसी घटिया। कैसी घटिया? एक बात बताओ। हाँ? अरे बच्चे अपनी मन मर्जी के होते हैं, कहीं भी जाएं कहीं भी आने देखो। हाँ? कहीं भी घूमने, अब देखो मेरा मन करता मैं अपने ससुराल से आ जाती हूँ, मेरा मन करता मैं चली जाती हूँ, तो ना तो मेरे पति का जोर ना मेरे घर वालों का जोर। बेटा ठीक, क्योंकि वो समझदार है। समझदार नहीं है वो लोग, बेवकूफ है जो तुझे अकेले भेज देते हैं, अभी रास्ते बीच में कोई बात हो जाए, बस में कोई बात हो जाए और क्या कहते हैं कोई परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। वैसे तू ऐसी गलत नहीं है, कल को किसी के साथ कोई चक्कर हो जाए भाग जाए तो अच्छा थोड़ी लगता है। और बेटा देख मेरी बेटी है, मुझे मत समझा कि मुझे इसको कैसे रखना है, मुझे जैसे अच्छा लगेगा वैसे रखूंगा। राम राम बिटिया। आजा बेटा। समझाने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी आ। बड़ा बेवकूफ आदमी है, पता लड़की को इस तरीके से अपनी कैद करके रख रखा है, ये तो बड़ी गलत बात है। और लड़की भी ऐसी कुछ बोलती नहीं है, मुझसे कह रहा था भाग जाओ। अरे ताऊ राम राम। अरे राम 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 राम। और कैसा है? और बढ़िया। मैं अच्छा हूँ और तुम बढ़िया हो? बेहतरीन एकदम बढ़िया। कैप वही कर लिए वैसे तूने? अब तो तुम्हारी कृपा से 6 हो गए, पहले 3 थे अब 3 और बढ़ा दिए मैंने। बहुत बढ़िया, दूध तो खूब होगा फिर तो घर में। आशीर्वाद से बहुत है, पर झोला डंडा लेके कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, बहुत तेज मन कर रहा था। काहे का? मेला देखने का। मेला? हाँ ताऊ जी का मेला नहीं लगा? हाँ लगा है। मैं जा रहा हूँ। और इसे कहने यार बिटिया को मेला दिखाने? मेला दिखाने? मेला दिखाने? हाँ? अरे शर्म करो शर्म। अरे ताऊ एक बात बताओ। हाँ? ये बेचारी ये इतनी तो इतनी समझदार तो है कि ये मेला खुद देख के आ सकती है और इसकी सहेली होंगी उनके साथ जा सकती है। काहे को बेकार की बात कर रहा है, एक बात बता, सियानी समानी बेटी को मैं अकेले मेला देखने भेज दूं है? अच्छा बुद्धि खराब है क्या है? तो तुम नौजवान बाप है कहाँ है, तुम अपनी बेटी को साथ में ले जाओगे मेला दिखाने के लिए तो ये ठीक लगेगा? ये तो अच्छी बात है ना। अभी अभी मान ले अभी इसका किसी चीज को खाने को मन किया, उसमें पैसे नहीं हुए, कम से कम मैं संग रहूंगा तो कम से कम सब चीज तो खवा लाऊंगा, 17 चीज होती है। जैसे कि तुम अगर उसे पैसे दोगे तो ये पैसे दे नहीं पाएगी? अरे नहीं वो तो बात सही है, लेकिन बेटा चोर उचक्के तुझ जैसे सब तमाम लगती है। पीछे क्या बोल रहे हो? चक्कर में कह रहा हूँ मतलब चोर उचक्का समझ रहे हो मुझे? नहीं तो मैं नहीं समझ रहा, मैं ये कह रहा हूँ तो जैसे मतलब मैं चोर उचक्का लगता हूँ सकल से।
पर है नहीं है तू। पर एक बात सुन बेटा, देख सियानी समानी बेटी होती है, जब बेटी जवान हो जाती है तो घर में बाप की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उस बेटी को संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल के माहौल को देख के आप अपने बच्चे को किसी के यहाँ भी नहीं भेज सकते। देखो ताऊ एक बात बताऊं, अगर अगर बिटिया अगर जब बराबर की हो जाए ना, तो उसमें खुद ब खुद अकल आ जाती है कि उसे चलना कैसे है। ना मत करो। देख सुन, मुझे अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं है, तो ये तो मेरी बिटिया है, तो मैं अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता। कल को मेरी परछाई गायब हो जाए फिर मैं क्या कर लूंगा। देख सुन, हो तो जाए कम से कम। इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। जब इसकी माँ मरी ना, मुझसे वादा लेके मरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में इसलिए इसको दे के जा रही हूँ क्योंकि तुम एक जिम्मेदार बाप हो, और मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है अब तक। अच्छा देख, स्कूल कॉलेज जाती है ना, सुबह मैं छोड़ के आता हूँ, शाम को मैं लेके आता हूँ। पानी लेने जाती है, मैं संग जाता हूँ संग आता हूँ। कुछ दुकान से किराना स्टोर से मंगाना होता है, मैं संग जाता हूँ संग आता हूँ। देख, गाँव के किसी गोबर से लेके लीपने तक के काम को मैं खुद संग कराता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे अपनी बेटी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ताऊ एक बात बताओ, अगर तुम कल कलावा को कहीं अपनी रिश्तेदारी में घूमने गए तो फिर उसे कहाँ छोड़ोगे? ताले में बंद करके घर में। हे भगवान, ताले बहुत है मेरे यहाँ गोदरेज के। देख वहीं बंद कर देता हूँ इसको ताले में। ताले में बंद करके और रोटी पानी दो दिन की एक दिन की बनवा के रख जाता हूँ। अच्छा। आराम से खा लेती है, मैं आ जाता हूँ फिर ताला खोल देता हूँ। भाई तुमसे ज्यादा मैंने कोई पापी इंसान देखा नहीं इस दुनिया में। अपनी शक्ल देख लेता मैं शीशे में। अरे शीशा में मैंने अपनी भी देख ली। अरे इतना तो मैं भी अपने पाओ के साथ नहीं करता जितना कि तुम कर रहे हो अपनी बेटी के साथ। पोहे हैं, ये बेटी है। बेटी और पोहे को तू एक जगह कैसे तोल सकता है? और जिम्मेदारी मेरी है, मुझे अपनी बेटी को जैसे ठीक लगेगा, जैसे सही लगेगा, जैसे सही जगह ब्याहने को लगेगा, मैं वही काम करूंगा। मैं किसी के दिमाग से नहीं चलूंगा। देख सुखा, देख तू है, तेरा तो ब्याह शादी हुई नहीं है, तू क्या जाने बच्चे। अच्छा? बच्चों की जिम्मेदारी तूने तो पोहे पाले हैं, दूध काट लिया, बेच लिया, काम खत्म। अगर तेरी ब्याह होता, तेरे कल को बालक बच्चे भी होते तो तुझे समझ में आता कि बच्चों को पालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ? एक बात बताना कि लाली की उम्र कितनी होगी तुम्हारी? ये हुई थी 97 में। हाँ? नहीं 98 में। 24 साल की है। और अगर आज 24 साल की है तो बेटा इसका बिचारी का रिश्ता कहाँ करोगे? रिश्ता? हाँ? अबे अभी 1 साल और रख के 25 की हो जाएगी। ऐसी जगह रिश्ता करूंगा इसका, ऐसी जगह रिश्ता करूंगा कि इस गांव में सबसे अच्छे परिवार में मेरी लड़की जाएगी। और देख, ऐसा घर बार ढूंढूंगा कि रानी बन के रहे मेरी बेटी। मेरी बेटी को एक तिनका भी ना उठाना पड़े जमीन पे से। ऐसा कभी नहीं होगा। सुबह 10 बजे मखमल के बिस्तर पे से सूखे उठे और शाम को 10 बजे ही सो जाए दोबारा। नौकर चाकर हो उस घर में, 4-6 ऐसे घर में दूंगा। हमारे घर में भी तो निमंग नौकर चाकर लगे हुए हैं। अरे तो हमारे घर में नहीं है तो कम से कम बेटी को तो अब एक ही बेटी है, इसकी मैं नहीं शादी में नहीं लगाऊंगा तो किसकी में लगाऊंगा? अपनी हैसियत देख के ही बेटी का रिश्ता करना चाहिए। तू बकवास कर। अगर तुमने अपनी हैसियत के अगर विपरीत किया तो ये समझ लो तुम्हारे कुएं में गिरने के दिन आ गए निश्चित। अरे गिर जाने दे, मैं तो गिरूंगा कुएं में, मेरी बेटी तो सुख में चली जाएगी। कोई समझाने वाला पागल है बिल्कुल। भगवान। अरे राम राम बहन जी। नमस्ते भैया, कैसे हो? और बढ़िया हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। है तुम तो टनाटन रहती हो बिल्कुल एकदम मस्त खा पी के चक। एक बात बताओ बहन जी, ये एक बात बताओ, गांव में ऐसा अन्याय हो क्यों रहा है? गांव में अन्याय? गांव में। अच्छा मैं समझ गई, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे उसकी ताऊ की बात कर रहा हूँ। अरे ये देख रहा हूँ बेचारी, उसको अपनी बिटिया को साथ लेके जा रहा था मेले के लिए। मुझे भी मिला था, मैं रस्ते में जा रही थी उनके पड़ोस वाली चाची के यहाँ। तो तुम्हारी कोई बात हुई उससे? बात हुई मेरी, तो लड़ाई होते होते बच गई, वरना मेरा तो ऐसा मन कर रहा था बहुत तगड़ी लड़ाई ही बाजेगी। अरे हाँ क्या कह रहा था तुमसे? ये कह रहा था, मैंने पूछा मैंने कि कहाँ जा रहे हो ताऊ जी? हाँ? कि कहीं नहीं, दाऊ जी का मेला दिखाने जा रहा हूँ लड़की को। हाँ? मैंने कि एक काम करो मैं दिखा लाती हूँ। सही बात है भाई। अरे तू, अरे वो तो उल्टा हम पे और इल्जाम लगा रहा था, तेरी जैसी नहीं है तू, किसी के साथ भाग गई। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई उस पे। बड़ाई भाई बहुत लीचड़। अरे चलो हमसे जो कहा हम तो इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। लेकिन जो अन्याय उस लड़की के साथ हो रहा है गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बाप हो के बेटे, एक बाप हो के ऐसे करो, उसे बाप हो के तरस नहीं आ रहा, हम तो चलो फिर भी उसके हमदर्द है। वो से नहीं आएगा, उसने तो ये बोल दिया कि उसकी जब माँ खत्म हुई थी तो इसके ऊपर जिम्मेदारी दे गई थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बिटिया 24 साल की हो रही है। मैंने उसकी उम्र पूछी थी उसके बाप से, तो वो बोल रहा था कि 24 साल की होगी। और ये और कह रहा था बहन जी कि 25 साल पे आगे शादी करूंगा, और शादी भी ऐसे घराने में करूंगा या नौकर चाकर हो, मतलब खुद के घर में तो खाने के लाले पड़ रहे हैं और बेटी का रिश्ता ऐसी जगह करने के लिए सोच रहे हैं या मतलब नौकर चाकर हो। ये कह देता कि अपनी शक्ल देखी है इन्हें में। बताओ, अरे तू नौकर चाकर वाले घर में करेगा? लेकिन अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है खुटी कौड़ी लगाने की, दूसरे से तुलना कर रहे हो, राजा महाराजा मिल जाए तुम्हें। जे बिल्कुल। वैसे बहन जी एक बात बताऊँ, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। चलो
अभी तो अभी चलने दो, कहानी देखने दो क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर शादी करनी तो हम भी बहुत लड़के बता देंगे, बाकी तो इससे मुलाकात। अरे ना तू ले और ना तू दे, ना वो ले और सुखी रहेगी, ऐसी बात है तो मैं अपने ससुराल में करा दूं। पर ये ऐसा नहीं है, इसने अभी बोला था मुझसे कि मैं तो इतना माल पानी लूंगा, इतने ऐसे घराने में करूंगा, तो इसका मतलब यही समझ लो कि ये दहेज देगा नहीं, मतलब उल्टा दहेज देगा लेगा ये। हाँ ये 100% लिखवा लो आप, बाकी चलो आगे देखते हैं क्या होता है। चलो राम राम बहन जी। राम राम भैया। चले खुश रहे बेटा खुश रहे, मन नहीं करता नमस्ते करने। तो मत किया कर, हम तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहते, तू आती है हमारे सामने तो सुन ली बात आकर। नहीं कान भर रहे हो है, पानी भरने जा रहे, पानी भरने तो पानी भरने, तू जा अपने बाप को क्यों संग ले जाती है। तो जब साथ चलते हैं तो मैं करूँ क्या। तुझे मतलब क्या है मैं अपनी बेटी के संग पानी लेने जाऊं या कुछ करके मैं कुछ लेके जाऊं, मैं किसी पर कोई भरोसा नहीं करता। और मेरी बेटी है, मैं पानी मैं दिलवाने जाऊंगा, अभी रास्ते में ये कुएं में गिर जाए, पानी भरते में कुएं में गिर जाए, नदी में बह जाए, कौन जिम्मेदार होगा, कौन देखेगा इसको माँ। अबे मैं रहूंगा तो कम से कम तैर के निकाल तो लाऊंगा, कुएं में जाएगी तो रस्सी डाल के निकाल लूंगा इसे। अरे इंसान है कोई, बच्चे का जानवर, मतलब जानवर का बच्चा नहीं है। हाँ जानवर का बच्चा मैं है नहीं कर रहा बेटा, तेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। देख ऐसा सुन, देख ये है मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी बेटी को किसी इस अपने बेटी के ऊपर किसी की परछाई भी नहीं पड़ने दे सकता, क्योंकि लोगों पे मैं भरोसा नहीं करता। जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहिए, ये नहीं कि 24 घंटे उसके पीछे पीछे लगे रहो। लगना पड़ेगा तब तो तुम उसे और भी बिगाड़ दोगे। नहीं बिगड़ेगी जब तक मैं इसके संग हूं, ये कभी नहीं बिगड़ सकती, क्योंकि ये मैं इतना वैसा आदमी हूँ, तेज आदमी हूँ कि मैं अपनी बेटी को ऊपर कोई आँच ही नहीं आने दूंगा। और देख सुन आजकल का माहौल है बहुत खराब, इस चक्कर में बेटी के साथ रहने में ही सुख है, अगर बेटी के साथ में रहूंगा तो आगे चल के भविष्य इसका अच्छा। माहौल से ज्यादा तो मुझे तुम खराब नजर आ रहे हो। नहीं बेटा गलत बात, ये गलत बात है ताऊ जी, देखो तुम सुधर जाओ, अरे बेटी है तुम्हारी तो क्या करूँ, कोई ये भैंस थोड़ी नहीं है जो हर जगह ऐसे हर खूटे पे बांध दोगे। नहीं बेटा देख ये उम्र एक ऐसी होती है, अब ये सियानी हुई है, कल को इसकी शादी भी करूंगा, ये एक उम्र ऐसी होती है, चंचलता से जब बच्चा निकलता है तो गलत संगतों में पड़ने की और आशंका रहती है। आप शादी की कह रहे हैं हा? अरे सही है चलो शादी का ख्याल बहुत अच्छा आया, अच्छा खासा दहेज लगा के बढ़िया से घर में शादी कर देना, ससुराल भी मेरे साथ ही जाएंगे। पागल हो रखी है, मैं दहेज लगाऊंगा, अरे मैं तो किसी अच्छे खासे परिवार में रईस करोड़पति परिवार में दूंगा अपनी बेटी को, जो मेरी बेटी सुख पाए, चाहे दहेज में दूं या ना दूं लेकिन अच्छे परिवार में दूंगा। अच्छा हाँ अच्छे परिवार में दूंगा। अगर रईस खानदान में करोगे हाँ तो कोई तुम्हारे दांत नहीं देख रहा। कौन नहीं देख रहा, मेरे दांत मुझे दिखाने भी नहीं है, मेरे दांत तो मुझे इसलिए नहीं दिखाने क्योंकि मुझे मेरी बेटी का सुख चाहिए, अपने दांत नहीं दिखाने बेटा। और देख मैं जब भी इसको किसी परिवार में दूंगा ना तो कम से कम मुझसे उसमें अमीरी में कम से कम 20 गुना फालतू, जिसके बिस्तर पैसे उतरते उसके नीचे जूते आ जाएं, जब वो जूते पहन के जाए तो एक आदमी जूस लेके उसके सामने खड़ा हो, और जूस जब वो पिए तो वो जब बाथरूम में जाए तो तौलिया के लिए चाचा नौकर लग रहे हूं, ऐसे घर में दूंगा। और सुन ऐसा घर मुझे जरूर मिलेगा, ये मेरा मानना है। सपने से जागो, दिन है रात नहीं है। अरे तो बेटा जब ही तो कह रहा हूँ कि तू सपने देख रही है, तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी सुख में जाए। और सुन लल्ली मुझे ज्ञान दे दे, आज तो तूने ज्ञान दिया है, कल से मुझे ज्ञान मत दियो, क्योंकि मैं खुद ज्ञानी हूँ, मैं लोगों को ज्ञान बांटता हूँ, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। और तू तो इसका गांव की बेटी है, तुझे अपने घर चला जाना चाहिए बेटा, अच्छा नहीं लगता रोज रोज तुम यहाँ आ जाती हो, हराम की रोटियां तोड़नी कोई अच्छी बात है। आ बेटा पानी भर के लाना, रहने दो कोई फायदा नहीं है। अरे ताऊ जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, पैर वैर फिसल गया गिर जाओगे। आज अष्टमी है। अच्छा जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। हाँ कम से कम 20 भंडारे हो रहे हैं, यहाँ से लेकर मार तक हमारे गांव से शुरू करेगी और पिलुखना तक 20 भंडारे हो रहे हैं, कम से कम एक एक गांव में तीन तीन भंडारे चल रहे। देख सब भंडारों में दो दो चार चार पूरी खाऊंगा, हर भंडारे में से आठ आठ बांध के लाऊंगा, तीन दिन का रोड हो जाएगा। हाँ बढ़िया, ये बढ़िया है। चलो अच्छी बात है, तो तेरे लिए लिया भंडारा। नहीं नहीं अरे भगवान की चीज है, भगवान का प्रसाद है, खा लेगी दो चार पूरी तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। जिस पे हम देते हैं उसी को खाते हैं, और जो हम देते नहीं है उसकी मुफ्त की खाते नहीं है। हाँ मतलब देते नहीं है। अरे भगवान को कौन देने वाला है, भगवान तो दुनिया को देने वाले हो, तू क्या देगी भगवान को। भंडारे में जो लोग दान करते हैं, जो लोग हाथ मतलब जो लोग उसके वो बनते हैं, कौन
अरे कट्टा दर्दा जो गलत बात बेटा, भंडारा एक ऐसी चीज है भगवान की देन है, जहाँ प्रसाद मिले तुरंत अपना हाथ आगे करके और ले लो और खा लो। भगवान भी ये देखते हैं कि अरे ये तो फालतू के आदमी है और ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ जाता है। अपने ऊपर कहिए तूने बिल्कुल ये बात, यही बात तू अपने बाप से कह के देखियो, बड़ी अच्छी लगेगी, उसके दिल से पूछियो कि कैसे हराम की रोटियां टूटती। अब मैं चल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, सुबह 10 बजे से भंडारे खाने शुरू करूंगा, शाम को 10 बजे तक 12 घंटे के भंडारे है। 12 घंटे में ही आओगे? हां मैं तो अब शाम को आऊंगा, रात को आराम से ये परोसा बांध के थैला लटका के काम खत्म, चल रहा हूं। है लल्ली चलो, अच्छी बात है। डोली, ए डोली। अरे दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, मुझे ये बता हाँ? आज तुझे ताले में बंद करके नहीं गए तेरे पापा? अरे दीदी आज ना वो भंडारा खाने गए और ताला लगाना भूल गए भंडारे के चक्कर में। तुम्हें पता तो है कैसे हैं वो, बस खबर लग जाए किसी चीज की फिर तो रेल की तरह भागते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ? इस तरीके से तुझे तेरे पिताजी रखते हैं, तुझे बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता? अरे दीदी लगता है लेकिन मैं करूँ क्या? तो बहुत कुछ कर सकती है, अब जी है तू करना नहीं चाहती? अरे दीदी अब पिताजी हैं तो क्या कर सकती हूँ। अच्छा वो पिताजी हैं, वो तुझ पे कुछ भी कर रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं, वो पिताजी हैं हैं, लेकिन तू उनकी बेटी हो गई तो फिर भी कुछ नहीं कर सकती। पिताजी हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि अपनी औलाद को तुम इस तरीके से कैद करके रखोगे घर में। क्या कर सकती हूँ मैं? बहुत कुछ कर सकती है अगर करना चाहे तो, ठीक है, और अगर नहीं करना तो फिर इसी तरीके से सड़ते गलते रहो। तो तुम बताओ क्या? देख मैं भी उन्हीं की सहायता करती हूँ जो खुद अपनी सहायता करते हैं, और ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो पहले अपनी सहायता करते हैं, वरना भगवान भी साथ नहीं देता। तब आप ध्यान रखो। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या करूँ? अरे लड़ अपने लिए और लेके डंडा खड़ी हो जा, कह दे कि मुझे नहीं रहना इस तरीके से। दीदी अब तो मेरा फन तभी कटेगा जब मेरी शादी हो जाएगी। शादी? हाँ। वैसे शादी कब कर रहे तेरी? अभी तो नहीं, अभी तो कोई देखो लड़का वड़का कोई देखा नहीं है, लेकिन हाँ कहते तो हैं। अच्छा मुझे एक बात बता कि जैसे कि तू कॉलेज जाती है, कॉलेज में कोई दोस्त या फ्रेंड तो होगा? अरे दीदी कोई दोस्त फ्रेंड तो मैं तब बनाऊंगी ना जब मुझे इतना सा भी टाइम मिलेगा। पिताजी गेट पे ही लेने के लिए पहुँच जाते हैं और सुबह भी गेट पे छोड़ने जाते हैं। अच्छा बिल्कुल क्लास तक छोड़ने जाते हैं मुझे? अरे ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात बता, जैसे कि हर लड़की का अपना अपना एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर, जैसे पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन तू क्या बनना चाहती है? मेरा सपना तो डॉक्टर बनना है दीदी, लेकिन पता नहीं पूरा होगा या नहीं। तू चाहती है कि पूरा हो? क्यों नहीं चाहती? अगर तू चाहती है तो 100% पूरा होगा, और अगर तू नहीं चाहती तो फिर तो कोई इस दुनिया की कितनी भी कोई बड़ी ताकत क्यों ना हो फिर तू बन ही नहीं सकती। कौन अपना सपना पूरा करना नहीं चाहेगा? हाँ ये भी बात सही है, तो हर कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है। लेकिन अच्छा एक काम कर, तो तू पढ़ाई कर। वो तो मैं रेगुलर कर रही हूँ दीदी। अब हम दोनों को बात करते करते बहुत टाइम हो चुका है, अब तुम निकल जाओ, अगर पिताजी आ गए ना तो तुम्हारी क्लास लगा देंगे। अच्छा चल ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, बाय दीदी। डॉली, डॉली। जी पिताजी। वो थैला रखा होगा मेरा काला वाला, हाँ? उस थैले को दे दे, और उसमें क्या कहते हैं पुराने गुड़ रखा था हमारे यहाँ घर में, वो गुड़ का भेला रख दी उसमें, और मैं जा रहा हूँ तेरे लिए लड़का देखने गंगा पार चौधरियों का, बड़ा सुंदर लड़का बताया है मुझे, अकेला लड़का है उनपे। गंगा पार लड़का देखने मेरे हाँ, लिए? हाँ तेरे लिए। पिताजी अभी से? मतलब मेरे लिए शादी के लिए? और क्या, और फिर कब करेगी शादी? 24 साल की हो गई तू, अब इससे भी ज्यादा वो कोई उम्र बढ़ाएगी क्या? बुढ़ी होगी। अरे समय के साथ कोई काम हो जाएगा, बढ़िया है। पिताजी लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद शादी करूंगी मैं। बकवास मत कर, पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई करके तू कहीं इंजीनियर नहीं बन जाएगी, बनानी तुझे रोटी है ही। तो पिताजी वो तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई तो पूरी करने दो ना। मैं ज्यादा फालतू की बात सुनना नहीं चाहता, मैं जितना कह रहा हूँ उतना काम कर, खाली मुझे थैला दे, मुझे रिश्ता तय करके आना है, और मुझे जल्दी से जल्दी गंगा पार पहुँचना है क्योंकि लड़के का बिजनेस बढ़ा है, और मुझे उनने ये कही है कि मैं शाम के बाद खाली नहीं हूँ, तो आपको आना है तो अभी आ जाइए देखने, जल्दी ना जा, भेला जरूर रख लियो उसमें से, डिब्बे में रखा है। ठीक है जल्दी लिया लो पिताजी। सही है मैं चल रहा हूँ। ये तो बताइए किसने बताया लड़का? अरे किसी ने बताया, मेरे मिलने वाले एक चौधरी साहब उनने बताया है, और सुन
ताला नहीं लगा के जा रहा हूँ शरीफी की वजह से। ताला कोई ऊंच नीच की कोई बात नहीं होनी चाहिए, और चुपचाप रोटी बनी हुई है और कहीं बाहर निकल के मत जाइए, पानी वानी सब भरा रखा है, अगर जरूरत पड़े तो प्यास ही रह लिए, लेकिन बाहर मत जाइए। ठीक है, चल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, एक बात बता। हाँ। तू गाना गा रही थी अभी, कौन सा गा रही थी? सजना है मुझे, सजना के लिए। सजना तो तेरा यहाँ है नहीं है, फिर किसके लिए सजेगी? तू आए तीसरे दिन तो यहाँ जाती है मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने, सजती किसके, सजेगी किसके लिए? तुम्हारे सामने तो ऐसे गाने भी कर रहे हैं। हाँ, तो, तो मेरी बात छोड़ो, बता। अरे वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लग रहा है जा रहे हैं आप। हाँ जा रहा हूँ, और बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकता, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। अरे फिर तो तुम्हारी खुशी में हम भी खुश हो लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये खाली मेरे लिए है, मेरा हक है, तुम मेरी खुशी है, मैं जी नहीं चाहता मेरी खुशी में कोई शरीक हो, मेरे दुख में कोई शरीक हो, क्योंकि सब भगवान ने मुझे दिया तो मैं ही जी लूंगा। आज डोली के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। अच्छा, लड़का देखने? हाँ। चलो अच्छी बात है, लड़का तो तुमने अच्छा ही देखा होगा। हाँ। वाले घर में बहुत अच्छे परिवार लड़का देखा होगा। नहीं, देखने जा रहा हूँ लल्ली, अभी तो बताया है उनने। यहाँ बताइए, लड़के पे 55 बीघा तो जमीन है पक्की, और लड़का खेती बाड़ी करता है, लड़के के घर में और कोई है नहीं है, माँ बाप उसके हो गए खत्म, अकेला है, कम से कम 2,000-2,500 गज में मकान बनना है। अरे चलो अच्छी बात है, ऐसे भाग्य का है, बहुत अच्छे भाग्य डॉली के तो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लड़का है। चलो, बस जा रहा था, बस इसी चक्कर में मैंने किला निकल लूं। हाँ, होगा इतने 24-25 साल का तो होगा ही ना। फिर बताई थी 38-40 के आसपास, पर बताइए 38-40। क्या हो गया? पहले नहीं होते थे, छोरी होती थी 12 साल की, और लड़के होते थे 30-30 साल के, तब ब्याह नहीं होते थे, खूब होते थे, जब लोग नाबालिग करके बताते थे, अब मैं बालिग करके बता रहा हूँ। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। बेटा कोई फर्क नहीं है, मेरी लड़की बालिग है 24 साल की, मेरा मन जहाँ करेगा मां ब्याहूंगा, और देख 10-15 साल का उम्र का फर्क तो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, और मैं चला रहा हूँ तो कौन सी बुरी बात है। और देख पैसा होना जरूरी है, आजकल उम्र उम्र कोई नहीं देखता, पहले होना चाहिए धन। भाई अगर 45-45 बीघा जमीन बताई है 50 बीघा के आसपास, अगर 50 बीघा जमीन है तो 50 बीघा कितने की हो गई? 10 लाख रुपए बीघा से लगा, अरबों रुपए की जमीन हो गई, 85 करोड़ की जमीन हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद कम से कम 2,000 गज में मकान बनना है अगले आदमी का, करने धरने वाला कोई है नहीं है, कल को अगर उस लड़की को कुछ हो जाता है 10-5 साल बाद, मरना तो है हर आदमी को, मरना तुझे भी मरना, मुझे भी मरना, दुनिया को मरना। कैसी बातें करते हो? सुन तो ले। हाँ। अगर उसको 10-15 साल बाद कुछ हो जाता है, जमीन किसकी हुई? तुम्हारी। मेरी काय को? बेटी की। अरे तो बेटी पैसे भी तो तुम ही छीन लोगे। मैं तो छीन लूंगा, उसकी औलाद नहीं होगी कि मैं ही रहूंगा हमेशा जिंदा? उसके औलाद भी होगी, बच्चे भी होंगे, कल को उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, खूब बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, और हर समय मेरी बेटी के पास पैसा रहेगा, नौकर चाकर होंगे, आलीशान व्यवस्था हो जाएगी, तेरी तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो नहीं आना पड़ेगा उसे हर तीसरे दिन। मैं तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं, मैं तो अपने पिताजी के पास आती हूँ, वो भी घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पति वहाँ रहते नहीं है। नहीं रहते नहीं। हाँ। तो मुझे पता है तेरा पति कहीं बाहर नौकरी करता है, और 40-50 हजार तनख्वाह है उसकी, खूब अच्छा खासा परिवार है, खूब बढ़िया इंजीनियर है। हाँ, मुझे पता है कौन सा इंजीनियर है। हाँ। लेकिन कुल मिला के ये तनख्वाह सही है। अच्छा ये बता, तू तो कह रही है 50 हजार तेरा आदमी कमाता है, अच्छा उस 50 हजार का फायदा क्या? तू यहाँ पड़ी रहती है, तेरा आदमी कहीं दूर संसार में पड़ा रहता है, अच्छा लगता है बेटा ये? अगर अपने पति अगर 10 हजार भी कमा रहा है और अपने पास है, तो इससे बड़ी सुख की कोई बात नहीं है, और वो 50 हजार भी बेकार है जब पति बाहर रहकर कमा रहा है, क्या फायदा ऐसी रकम का? लेकिन मैं इन सब बातों को छोड़ो। हाँ। लेकिन लड़की के लिए उम्र के हिसाब से लड़का देखो। बेटा देख मुझे मत समझा, पहले मैं देखने ही तो जा रहा हूँ कौन सा रिश्ता पक्का करेगा। चलो लड़की से 1-2-3 साल बड़ा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है मुझे देख आने दे। ये तो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं पहले देख आने दे, अभी मैंने देखा नहीं, मुझे बताई तो ये, आज देख आऊंगा, अगर लगा लड़का कि मेरी लड़की लायक है तो रिश्ता करके आऊंगा, नहीं तो नहीं। हाँ ये बात सही है। बात सही है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ ये सही है ताऊ जी, 10 जगह देखूंगा तभी तो 1 जगह पसंद आया। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है, बिल्कुल बिल्कुल। चल रहा हूँ लल्ली। है नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे नहीं, कहाँ जा रहा हूँ बेटा ताऊ? हाँ तो मैं घर से रहा हूँ। तो तुम तो चले गए मेला देख के, अब जा कहाँ रहे हो ये बताओ? मेला देख के तो मैं परसों आया था। उल्टी बात क्यों करता है तू? मतलब खाली मेला ही देखता रहूंगा? अरे आज बड़ा खुशी का दिन है। क्यों, ऐसे खुश के आती बात? आज ऐसा है कि आज मैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ, गंगा पार। है क्या लड़का देखने जा रहे हो? हाँ, गंगा पार। हाँ। अरे तुम एक बात बताओ, मेरे सुनने में तो ये आई थी कि तुम्हारी बेटी कोई पढ़ाई कर रही है अच्छी खासी डॉक्टरी की। बेटा क्या करेगी डॉक्टर बनके? एक बात बता,
डॉक्टर बन के वो क्या करेगी, बनानी उसे रोटियाँ। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चाहे जज बन जाए, चाहे मजिस्ट्रेट बन जाए, बनाएगी चूल्हे पे रोटी। हाँ। इससे बढ़िया तो रोटी ऐसी बनाना कि गैस पे बने। अच्छा, बढ़िया घर में करने जा रहा हूँ, उसकी शादी एकदम कोई जरूरत भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई की, इतना पैसा पहले से ही होगा कि उसे डॉक्टर बनने की जरूरत ही ना पड़ेगी। भाई साहब वैसे तुम जैसे पिताओं की सोच बन जाना ऐसी अपनी बेटियों के लिए तो धन्य हो गया पूरा देश। वही तो मैं कह रहा हूँ, हर पिता को ये होना चाहिए कि हर पिता का बच्चा सुख संसार में जाए, अच्छे परिवार में जाए, अच्छे पैसे वाले में जाए। और मेरी तो सोच ये थी कि कम से कम अपने से 20 गुना ज्यादा पैसे वाले लोगों में अपनी बेटी को ब्याहूंगा। वैसे तुमसे खोपड़िया करनी बेकार है, मत पार। और सुनो मेरी बात सुनो पहले, लड़का देखा है तो कैसा देखा मुझे ये तो बताओ पहले। अभी नहीं देखा। अरे तो क्या जा रहा हूँ, जा रहे तो कुछ बताया तो होगा उसके बारे में। बताया है लड़का 50 बीघा पक्की जमीन, ठीक है, खेती बाड़ी संपूर्ण। अच्छा, 2000 गज में हवेली बन रही है। अच्छा, अकेला चौधरी है गांव का। अच्छा अच्छा, प्लस माँ बाप है नहीं है। माँ बाप नहीं है, अकेला लड़का। अकेला लड़का करता क्या? खेती बाड़ी। अरे 50 बीघा जगह क्या करने की, तू क्या करता है? लड़की बड़ा बड़ा इंजीनियर है, भैंस ही भले काट रहा हो सालों से। अरे मैं तो भैंस काट रहा हूँ, पर तुम्हें पता है मैं कितना कमा रहा हूँ? क्या कमा रहा? तुमने लड़की तो गड्ढे में डाल दी। मैंने क्या गड्ढे में डाल दी, 50 करोड़ की जमीन है और इससे ज्यादा क्या सुख देखूंगा? वैसे एक बात बताऊं ताऊ, तुम्हें सिर्फ वो लड़का नहीं, तुम्हें उसका पैसा दिखा, जमीन जायदाद दिखी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और देख मेरी लड़की, अब मैं जल्दी से जल्दी ब्याह लूं, बस गंगा नहा लूं, उसके बाद काम हो जाएगा खत्म। अरे ऐसे पाप करें तुमने, सच बता रहा हूँ कि भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें। नहीं, ये पाप करने जा रहे हो, रुक जाओ, अभी भी मना कर रहा हूँ मैं। मतलब अपनी लड़की के लिए मैं लड़का देखने जा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा पाप है भाई? देखो, पर पारिवारिक लड़का देखो जिसमें सब हर कोई हो। देखो ऐसा भी देखा जाता है, अभी लड़के 4 भैया हूँ और आ रही हो 20 बीघा जमीन। अच्छा, कितनी कितनी आई? 5-5 बीघा। इसका मतलब तुम एक बात सुन, 5-5 बीघा आई, कितने की जमीन बैठी? 25-30 लाख रुपए की, 50 की बैठ जाएगी। अच्छा। ज्यादा ज्यादा अगर 10 लाख का बीघा भी होगा, अब उस पे अकेले पे 50 बीघा है। हाँ। सोच कितना सुख होगा। तो वो कौन सी जमीन तुम्हारी हो रही है मुझे ये बता दो। मुझे थोड़ी चाहिए भैया, मेरी बेटी के लिए होनी चाहिए। और देख सुन, हाँ। मेरा हो रहा है टाइम बर्बाद, क्योंकि शाम को उनको जाना पड़ता है बिजनेस के लिए। अच्छा, उनकी शहर में फैक्ट्री है, वहाँ जाना पड़ता है, तो इस चक्कर में ये कह रहे थे शाम से पहले आ जाओ। ये भाई साहब चल रहा हूँ, मानेगा नहीं बुढ़ा, ये अपनी लड़की को गड्ढे में गिरेगा। अरे राम राम बहन जी। राम राम, कैसे सो सा के आ रही हो? क्या बात है? सो के नहीं, सोच के आ रही हूँ। अच्छा, क्या सोच रही थी तुम? पूरे रास्ते एक ही बात सोचती हुई आई। क्या बात हो गई? अरे वही वो ताऊ जी की लड़की जो है। अरे बहन जी मुझे भी ये समझ लो, मुझे मिलाता वो ताऊ, वो तो कहाँ पता नहीं अपनी बेटी को किस गड्ढे में ढकेलने जा रहा भाई। अरे मैं ये पूरे रास्ते में ये बात सोच के आई हूँ, ये कह रहा था कि अरे जहाँ में लड़की के लिए लड़का सही लगेगा वहाँ। हाँ। चलो ये बात तो मुझे अच्छी लगी। चलो सही है। हाँ हाँ। कि चलो अच्छी बात है, जहाँ उसका जोड़ा फिट बैठ जाए वहीं होगी, वहीं बढ़िया लगती है, है कि नहीं? हाँ हाँ। लेकिन ये सोचती आई कि कहीं पैसे के लालच में कहीं ऐसे कुएं में ना धक्का दे दे जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही बात बहन जी, मैं भी यही सोच रहा था। अरे एक बात बताओ, लड़के के ना तो माँ है ना बाप है ना कोई है घर में, और ये कह रहा है कि जाने कितने 50 बता रहा, कितने बीघा बता रहा था, ना इतनी जमीन है उसके पास। अब एक बात बताओ, मुझे इसकी नीयत सही नहीं लग रही इस बुड्ढे की। मुझे तो लगता है कि ये लड़का नहीं, ये उस जमीन को देख के वहाँ शादी कर रहा है अपनी बेटी की। है बात सही या नहीं है बताओ? मैं यही सोच रहा हूँ कहीं ऐसा किसी गरीब घर में डाल देता, लेकिन लड़का थोड़ा, अब ये देखो हमने तो देखा नहीं, अब पता लगेगा हमें देखने से। लेकिन अगर चल कोई बात नहीं, अब जैसा भी है कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आने वाले समय में अगर वो लड़का बेकार निकला और घर परिवार क्योंकि वैसे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इसकी बेटी दुख पाएगी भाई। अब ये मैं बता रहा हूँ, और ये बुढ़ा जो है ये मजे मारेगा। क्यों? क्योंकि जो वो जमीन है वो तो बेचारा कल कलाबों को मर मरा गया, तो जमीन किसकी हुई? इसकी। ये उस जमीन को रख के चाटेगा। अब जब बेटी ये बेटी जब सुख में नहीं है तो पर चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को देखने दो। अगर वो देख के आ जाए तब हमें बतावे तो देखेंगे। अरे ताऊ जी, आज आप पानी भरने क्यों जा रहे हो? वो कहाँ गई डॉली? डॉली? हाँ। डॉली कहाँ है? डॉली का तो ब्याह हो गया बेटा। हैं? हाँ। ब्याह हो गया? हाँ। कब? अभी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? हाँ। तुम्हारे घर में तो कोई कुछ भी नहीं बेटा? ऐसा था, उनने मुझसे मना कर दी चौधरी साहब ने कि ऐसा है, अपने घर में कोई करने की जरूरत नहीं है, हमारा फार्म हाउस है, यहीं पे आराम से छोरी को ले आओ और अपने भामा डलवाओ, दावत फावत हम कर देंगे अपनी बहारियों की, और कर करा के छुट्टी काटो। तो मैंने भी मैंने की चलो हाथ पीले होने दो। अरे हमें कम से कम लड़का तो देखने को मिलता। तुम क्यों देखती लड़का? अरे मैंने देख लिया, मेरी बेटी ने देख लिया, उसको पसंद है, मैं कर आया, बात खत्म हो गई।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, दाल में काला जरूर है। दाल में काला नहीं है बेटा, पूरी दाल काली है, अभी समझ में आया गया नहीं तुम, क्योंकि तुम इतने समझदार नहीं हो। देखो मैंने अपनी बेटी का सुख देखा, मैंने अपनी बेटी के जगह ऐसी देखी कि मेरी बेटी सुख में गई है और ये समझ ले रानी बन के रह रही है। अभी फोन आया था उसका सुबह, अरे पिताजी इतनी खुशी, इतनी खुशू के कुछ करना नहीं पड़ रहा उसे काम धंधा। अच्छा मेरी बात करा दूंगी। हाँ तेरी बात करा दूंगा, तीन तो नौकर लग रहे हैं। अच्छा। उसके लिए तीन नौकर और ये तो एक काम करते हमें वही फार्म हाउस में ले चलते। बेटा ऐसा था उनने मना की थी, मैं कह रही थी ज्यादा खाने वालों को लाना मत, तो इस चक्कर में मैंने काम में मैंने की चार छह खाने वाले जाना, तो मैं उस चार छो को नौता नहीं दिया, तुझे नहीं दिया, एक क्या कहते हैं उसको नहीं दिया, सुक्का को नहीं दिया, ये चार छह थोड़े ऐसे ही हैं ज्यादा खा लेते हैं। देखो किसी के दरवाजे पर जाके अपनी बेइज्जती होती है, कोई ज्यादा आदमी खा रहा है तो 25-25 पूड़ियां मारते हो क्या होगा तुम्हारा। कम से कम ऐसा तो करते कि लगुन का और कन्यादान का तो नौता दे देते। अरे कन्यादान ही ले आते हम तो काय को। अरे मैं किसी के मैं कन्यादान में गया नहीं हूँ आज तक, तो मेरे कन्यादान में कौन आता, और दे क्या जरूरत है लगुन की। अरे सब लगुन सिक्का उनने अपने दरवाजे पर करवा लिया, सब काम खत्म हो गए, ये 21 रुपए में उनके हाथ में रख आया लगुन पे, और कन्यादान में मैं अपनी छोरी को एक जोड़ी परिये दी आया नकली लिल्ली की। हैं? हाँ नकली लिल्ली की। तुम दूसरों के घर लील तो आते हो लेकिन तुम अपने यहाँ किसी को नहीं बुलाते। बेटा इसलिए नहीं बुलाता अपने घर क्योंकि देख मैं चाहता हूँ कि दुनिया के भंडारे हैं उन्हें मैं खाऊं, वो तो भगवान का भंडारा, खाने में कोई सुकून सुकून मिलता, प्यार मिलता और पेट भी भरता है, और मैं मेरे पास नहीं था पैसा, इस चक्कर में मैंने उन्हीं के दरवाजे पर हाथ जोड़ के अपनी बेटी में आया हूँ बस, ठीक है। लेकिन ताऊ जी मुझे तो कुछ अजीब सा वो हो रहा है, लेकिन आखिर में तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों करी। बेटा जल्दबाजी करनी पड़ती है, सियानी समानी जब बेटी होती है तो बाप की जो सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जल्दी से जल्दी अगर लड़की बिगड़ ना जाए इस चक्कर में जल्दी से जल्दी ब्याह शादी कर देना चाहिए। मैं चल रहा हूँ, मुझे पानी भी भर के लाना है, बहुत दूर से लाना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।